यह सवाल अशोक कुमार का है। नमस्कारम सद्गुरु, मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस सृष्टि को क्यों बनाया गया है, और साथ ही जिसे बनाया गया है उसे आज़ादी भी नहीं दी गई है कि वो अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को जान सके। जिसने बनाया है, ओह बनाया गया है, बनाने वाला नहीं, ठीक है। अगर इसकी कोई संभावना नहीं होती कि आप अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को जान सकें, तो मैं आपके साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद करता? क्योंकि अगर कोई संभावना नहीं है तो क्या फायदा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के बेवकूफ हैं, फिर भी एक संभावना है, इसी कारण ये कोशिश की जा रही है, वरना क्या फायदा है? आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही अर्थ है कि आपने किसी भी जीवन को नकारा नहीं है, क्योंकि हर जीवन एक संभावना है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई मूर्ख लगता है, कोई स्मार्ट लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज ये नतीजे निकाल रहा है, लेकिन एक जीवन के रूप में इसके पास पर्याप्त बुद्धि है कि ये जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इसे बहुत बुद्धि की जरूरत है। कितनी सारी चीजें काम कर रही हैं, एक या दो चीजें नहीं, लाखों करोड़ों चीजें हो रही हैं। अगर आपके पास जिंदा रहने के लिए बुद्धि है तो आपके पास जानने की बुद्धि भी है, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा भटका हुआ है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता का दोहन करना नहीं सीखा है, इसलिए ये आपको थोड़ा सिर दर्द दे रही है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, जब मैं कहता हूँ सिर दर्द, तो सिर्फ वायरस वाला सिर दर्द ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, यानी आपके पास खुद को परेशान करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है। अगर आपको एक ऐसी समस्या का निर्माण करना आता है जो मौजूद नहीं है, तो मुझे बताइए। क्रिएटिंग समथिंग इज मोर एफर्टफुल एंड नीड्स मोर सब्सटेंस, बट नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। कुछ बनाने में ज्यादा प्रयास और ज्यादा सामान लगता है, या कुछ न बनाने में ज्यादा सामान लगता है? जाहिर है कि कुछ बनाने में, अपने दिमाग में इतनी सारी झूठी बातों को बनाने के लिए काफी बुद्धि और प्रयास की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एक तरीका है। अगर मैं आपको एक पेचकस देता हूँ यहाँ कुछ सरल सा काम करने के लिए, आप इसे अपने कानों में डाल लेते हैं और आप सोचते हैं ये एक अच्छा तरीका है, ये कुछ समय के लिए काम करेगा, और फिर आपने सोचा आप वो भी करते हैं, लेकिन फिर एक दिन आपकी आंख की पुतली में कुछ हो रहा है, आपको पता है आपके साथ बस यही हो रहा है। आपको ये बहुत बेतुका लग सकता है, लेकिन ये इतना बेतुका ही है, आप अपने साथ बस यही कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, अगर हम आपका आधा भेजा निकाल दें तो आपको किसी आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं होगी, आप शांति से बैठेंगे, मुंह शायद थोड़ा सा खुल जाए, लेकिन क्या दिक्कत है। लेकिन आप शांत बन जाएंगे, तो आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं है, आपकी समस्या ये है कि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो सृष्टा मेरे लिए इसका इस्तेमाल भी क्यों नहीं कर सकता? ये कैसे होगा? हमने आपको एक घोड़ा दिया और हमने आपको उस पर सवारी करने के लिए दो पैर दिए, नहीं नहीं आप मेरे लिए इसे क्यों नहीं चला सकते? ये क्या बात हुई? आप वो तब कर सकते हैं जब आप अजन्मे बने रहें। सृष्टा हर चीज का ख्याल रखेंगे, सृष्टि का स्रोत हर चीज का ख्याल रखता है। अगर आप यहां नहीं हैं तो चूंकि आप यहां हैं, आपको निभाने के लिए एक भूमिका दी गई है। यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी, ये चींटी एक समस्या है। कुछ लोग मेरे चींटी और इंसान के उदाहरण के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उदाहरण को शब्दशः ले लेते हैं।
अगर मैं कहूं कि एक चींटी और एक हाथी, वो क्या बात कर रहे हैं? चींटी और हाथी कैसे संबंधित हैं? वो एक प्रजाति के नहीं हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि उनकी शादी हो गई है। तो भले ही आप सबसे छोटे प्राणी को लें, चींटी से कहीं ज़्यादा छोटे प्राणी भी मौजूद हैं, बेशक वायरस भी है, लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चींटी यानी, क्योंकि यह हर जगह मिल जाती है, शायद जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं उन्होंने चींटियों को नहीं देखा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं किसी और प्राणी के बारे में बात कर रहा हूँ, वरना जो लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं चींटियाँ हर जगह हैं। तो एक छोटा सा प्राणी और आप, अगर आप इसे देखते हैं तो चींटी भी अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है अपने ही तरीके से। उसके पास जो छोटा सा दिमाग है उससे वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। वो कहीं जा रही है, आप उसका रास्ता रोक कर देखिए। मैंने महीनों बिताए इन चींटियों को समझने की कोशिश करते हुए, और मैं आश्चर्यचकित था उनकी समझ और उनके जीवित रहने का भाव देखकर। वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं ये काफ़ी अविश्वसनीय है। और उनका ट्रैफिक सेंस, बेंगलोर के सभी लोग उन्हें कुछ चींटी प्रशिक्षण की जरूरत है। वो बस इस तरह जाती रहती हैं, कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता, वो बस इस तरह से जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत चकित था, मैंने काफी समय बिताया। आप बस अपना हाथ वहां रखें, वो अपने ही तरीके से जाना चाहती हैं। वो अपना रास्ता बदल कर कहीं और से नहीं जाएंगी, वो यूं 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 और फिर वापस आएंगी और जाएंगी, क्योंकि वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। तो यही जीवन की प्रकृति है। इतना ही नहीं, हर एक प्राणी ये सृष्टि की उदारता है कि इसने आपको एक व्यक्तिगत अनुभव दिया है। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास अपना तंत्रिका तंत्र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शायद वायरस के पास कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है। हम नहीं जानते, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि शायद उसके पास व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, शायद उनका एक सामूहिक अस्तित्व है। लेकिन हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव है। हम सभी एक ही मिट्टी से आए हैं, लेकिन अभी यहाँ बैठे हुए हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे जीवन का बुनियादी मूल्य है कि हमारे पास एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब आपके पास एक व्यक्तिगत अनुभव है, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप अपनी बुद्धि को संभालें या इसका उपयोग करें जानने के लिए? क्या आपके पास जानने के लिए जरूरी बुद्धि है? Do you have the needed intelligence to know? Absolutely, as I said, if you have the intelligence to exist. बिल्कुल है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास जिंदा रहने की बुद्धि है तो आपके पास जानने की बुद्धि भी है। लेकिन आप, चूंकि लोगों ने आपको बताया है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप इसे बचा रहे हैं कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब हम आपको शमशान घाट ले जाते हैं तो हम आपके दिमाग को भी जला देते हैं। कम से कम ईशा शमशान घाट में दिमाग को भी जला दिया जाता है। तो अगर आप इसे बचा रहे हैं ताकि आप वहां ले जाकर इसका इस्तेमाल करें, नहीं, हम इसे यहां जला देंगे। वहां हम नहीं जानते कि वो आपको दिमाग देंगे या नहीं। हाँ, चूंकि यहां आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आप कहीं और जाना चाहते हैं। समय आ गया है कि आप अपने शरीर, दिमाग और ऊर्जा से यहाँ काम लें, उनकी पूरी क्षमता से, और इसे अपने हाथों में रखें और इसे अपने अनुसार दिशा निर्देश दें। अभी ये बस इधर उधर गिर रही है, आपकी बुद्धि बस इधर उधर गिर रही है और तबाही ला रही है, आपके लिए और आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि ने आपको साधन नहीं दिए हैं, साधन हैं, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन, 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 एंड यू आर पोकिंग योरसेल्फ राइट नाउ। और आप अभी खुद को कोंच रहे हैं। अगर आप वास्तव में इसे देखें तो लॉकडाउन आपके जीवन में आपके साथ हुई सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि 6-8 हफ्ते, कब किसी को ऐसी छुट्टी मिली थी? अरे, मैं कहीं नहीं जा सकता, बात वो नहीं है। आपके पास समय है, आप कितनी सारी चीजें कर सकते थे, आप अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ कितनी सारी चीजें कर सकते थे। आज मैं कुछ
पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था। ये एक तरह की बातचीत थी। वो कह रहे थे कि यहां तक कि चेन्नई में भी इनकी संख्या, घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि आप नहीं जानते कि कैसे होना है, आप एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, ये सब बकवास है। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपना परिवार कहते हैं। All the best. अगर आप अपने परिवार को इस तरह से मैनेज करते हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं। वो आपके प्रिय जन हैं, इसलिए उन्हें तप्पड़। आपके प्रियजन, आप उन्हें मार रहे हैं और ये आपके प्रियजन हैं, फिर तो शायद मच्छर भी आपका परिवार हो। निश्चित रूप से, इसीलिए आप उन्हें थप्पड़ मारते रहते हैं। समय आ गया है कि आप खुद से निपटना सीखें। आपको 15-16 दिन मिले हैं, ढेर सारा समय है। अगर आप कुछ और नहीं जानते तो कम से कम इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कर लीजिए। कम से कम अपने विचार और भावना को संभालना सीख लीजिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं सीखते, जो थोड़ा और समय ले सकती है, कम से कम अपने विचार और भावनाएं कि वो आपके अनुसार हों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने जीवन को किसी भी अर्थ में सार्थक होने की उम्मीद कैसे करते हैं? आपको एक ही चीज का गर्व है कि आपके पास गोल्ड मेडल, मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आपके गोल्ड मेडल का वजन 500 ग्राम ज्यादा है किसी और के मेडल की तुलना में। आपको 500 ग्राम अधिक सोना मिला है आपके बगल वाले व्यक्ति की तुलना में, और आप शानदार महसूस कर रहे हैं। इन सभी विकृतियों का दुर्भाग्य से विकास किया गया है। समय आ गया है कि आप सीखें कि अपनी बुद्धि को कैसे संभालना है, और हर किसी के पास ये जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि है कि कैसे जीना है।